hello friends this is arjit welcome back to physics craze youtube channel so today in this video we will talk about neast experimental skill test competitions so where we will discuss in details about the program who can participate in the program the prize money and certificate regarding the certificates how to participate in this program you know structure of the programs and sample questions and how to register in this program so watch the video till end now Physics Crash is a channel which provides videos related to internship, jobs, notifications, summer research programs, pre courses, competitive exams preparations videos, and much more informations. So please visit the channel for all the videos. Now this is a new channel. I need your love and support. Please subscribe the channel and shower your love and support. So NEST stands for National Envisyka Experimental Skill Test, which is jointly organized by. नानी दैट इज़ नेशनल अनवेंसिकल नेटवर्क ऑफ इंडिया विच इज़ ए पार्ट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ फिजिक्स टीचर्स एंड शिक्षा सोपन आई आई टी कानपुर सो फिज़िक्स को हम लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ के थोड़ा सा बोरिंग बना देते हैं मगर उसी वही इलेक्ट्रो डायनिक्स मिकैनिक्स ऑप्टिक्स के थ्योरीज को अगर हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके समझें तो दिस इज़ ए अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग थिंग सो जो ये प्रोग्राम हमें ऑफर करते हैं इस प्रोग्राम में हमें एक्सपेरिमेंटल्स के थ्रू हमें फ़िजिक्स को सीखने मिल सीखने को मौका मिलेगा जहाँ पर हमारा एनालिटिक स्किल एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑब्जर्वेशनल स्किल्स को जज किया जाएगा ये काफ़ी सारे राउंड्स में डिवाइडेड है अगर हम लोग तीन चार राउंड दो तीन राउंड पार करते हैं तो हमें आईआईटी कानपुर में जाने का मौका मिलेगा और उसी के साथ सर्टिफिकेट्स और ऋष भरमा सर को सर के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा सो लेट्स डिस्कस अबाउट फॉर होम दिस प्रोग्राम इज So, this program is divided into two groups junior group and senior groups. Junior group for class 9 to 12 students and senior group for BSc and MSc students. BSc and MSc means BSc math, physics, chemistry, geology, botany, everyone can participate but it should be BSc only. No BTech, no B Architectures, no BCOM, no B agriculture can participate in this program. Only BSc, MSc. So, 9 to 12 is junior group.

एक्सपेरिमेंट दिखाया जाएगा फिर उस एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग हमें एक सवाल पूछा जाएगा एम टाइप सवाल जहाँ पर हमें आंसर करना है तो प्रिलिम्स राउंड में नाइन टू टेन ऐसे वीडियो क्वेश्चन सवाल रहेगा अगर हम लोग इसको पार करते हैं तो हमें प्रीलिम्स में जाने का मौका मिलता है सो so, मैं स्क्रीनिंग राउंड के थोड़ा डिटेल्स और बता देता हूँ सैंपल्स क्वेश्चन मैं बता देता हूँ सपोज़ आपके पास एक खाली बोतल है और आप उसको स्पिन कर रहे हैं ऐसे करके रोटेट कर रहा है फिर मैंने हाफ फिल कर दिया फिर मैंने रोटेट किया उसको स्पिन किया और फिर मैंने पूरा भर दिया बोतल को फिर मैंने स्पिन किया तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी कंडीशन में स्पिन करने के लिए आसान होगा कौन सी सिचुएशन में स्पिन करना मेरे लिए आसान होगा तो हाफ फील्ड फुल फील्ड और या फिर एम सिचुएशन पे तो ऐसा सबल रहेगा और एक सबल रहेगा कि एक अगरबत्ती मैंने जला दिया किसी भी एक कोने में घर के कोने में तो वो उस उसका जो परफ्यूम है पूरा घर में फैल जाएगा तो ये किसकी वजह से होते हैं तो ऐसे करके चार ऑप्शन रहेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक सौ वाट और साठ वाट का बल्ब को मैंने एक स्विच में कनेक्ट कर दिया तो कौन पहले जलेगा किसका ग्लो ज़्यादा होगा किसके थ्रू करंट ज़्यादा होगा ऐसे छोटा छोटा वीडियो क्वेश्चन रहेगा जो बहुत ही आसान होता है और सिंपल भी होता है तो स्क्रीनिंग राउंड में जाने के बाद आपको प्रीलिम्स में जाने का मौका मिलेगा प्रीलिम्स में क्या होता है आपको खुद एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना होता है दो या तीन एक्सपेरिमेंट हमें डिज़ाइन करना होता है डिज़ाइन करने के लिए हमें बाहर से मार्केट से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा हमारे जियोमेट्रिक बॉक्स के जो मटेरियल्स होते हैं हमारे किचन में जिस जो मटेरियल्स होता है हमारे हाउस होल्ड के अंदर जो जो मटेरियल्स होता है उन्हीं से हम दो या तीन एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे और उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में कर क्या रहे हैं और हमें उसका एक राइटअप right लिख के फिर उसका वीडियो बना के हमें ड्राइव में अपलोड करना है ये प्रीलिम्स राउंड में होगा तो प्रीलिम्स के बाद हमें सेमीफाइनल में जाने का मौका मिलेगा सेमीफाइनल्स में हमें आईआईटी कानपुर में या फिर शिक्षा सोपान का जो सेंटर है उधर जा जाना पड़ेगा फिर उधर हम लोग एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे सेमीफाइनल्स में फिर ऐसे सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई कर, करते हैं सेमीफाइनल के एक या दो दिन बाद ही फाइनल्स होगा उधर ही कानपुर में फिर उधर आप फाइनल में भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे और डेटा एनालिसिस करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्यूरेसी करेंगे और एक्सपेरिमेंट करके आप फाइनल अगर जीत जाए तो आपको प्राइज मनी मिलेगा प्राइज मनी कैसा रहता है प्राइज मनी है अगर फर्स्ट प्राइज अगर फर्स्ट प्राइज़ आप फर्स्ट पोजिशन होल्ड करते हैं तो आपको फाइव थाउजेंड रुपये मिलेगा सेकेंड पोजिशन आप, आप आते हैं तो थ्री थाउजेंड रुपये मिलेगा और थर्ड पोजिशन में आप आते हैं तो टू थाउजेंड रुपये आपको मिलेगा माइंड इट आप अगर स्क्रीनिंग राउंड में बाहर हो गए तो आपको एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फिर भी मिलता है अगर आप प्रिलिम्प्स में आए तो आपको प्रिलिम्पस में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा अब सेमीफाइनल्स में आए तो सेमीफाइनल्स का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और फाइनल में तो फाइनल का तो सर्टिफिकेट अगर आप रजिस्टर्ड करके पार्टिसिपेट करते हैं फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कैश मनी आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजिशन में मिलेगा ओके सो दैट इज़ अबाउट द प्राइज मनी एंड एलिजिबिलिटी आई हैव टॉक्ट अबाउट एंड फीस देयर इज नो कोर्स फी इस कोर्स में और इस एक्सपेरिमेंटल कंपटीशन में आपको भाग लेने के लिए कोई फ़ीस देना नहीं पड़ेगा दैट इज़ इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ओके टेंटेटिव शेड्यूल का बात करते हैं तो मैंने जो जो बताया कि फोर्थ राउंड होगा स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग राउंड प्रीलिम्स सेमीफाइनल एंड फाइनल स्क्रीनिंग एंड प्रीलिम्स विल बी ऑनलाइन एंड सेमीफाइनल एंड फाइनल विल बी इन कानपुर सो स्क्रीनिंग का जो टेंटेटिव शेड्यूल्ट है वो आपका 22 जुलाई से 28 जुलाई 22 जुलाई टू तो 28 ऑफ जुलाई दैट इज़ स्क्रीनिंग राउंड टेंटेटिव शड्यूल्ड प्रीलिम्स होगा आपका इलेवेंथ टू फिफ्टीन अगस्त के बीच में और सेमीफाइनल्स एंड फाइनल अक्टूबर में अक्टूबर में होगा दैट इज अबाउट टेंटेटिव शेड्यूल्ड प्राइज एंड अदर इंसेंटिव आई हैव टॉक्ट अबाउट सो दिस इज़ सच ए अमेजिंग प्रोग्राम्स सो वे यू कैन एक्सेल्स योर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स एंड एट द एंड यू कैन गेट ऑल्सो द सर्टिफिकेट प्राइज मनी एंड एन अपॉर्चुनिटी टू मीट प्रोफेसर एस सी वर्मा सर एंड यू नो दैट ही इज़ ये पद्मश्री ओनर

अपना अकाउंट बना लीजिए नाम ईमेल वगैरह मोबाइल नंबर डाल के फिर आप जब साइन अप करेंगे एक मेल आएगा फिर मेल में एक लिंक आएगा फिर उस लिंक को टच करके आपका अपना पासवर्ड और एकेडमिक्स डिटेल्स डालना है और फिर आप अपना अकाउंट बना लीजिए तो ऐसे करके आप इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इधर आपका हर एक दिन हर एक दिन सैंपल क्वेश्चन आपको प्रोवाइडेड किया जाता है मतलब अपडेट किया जाता है राइट तो सैम आप जरूर जल्दी से जल्दी रजिस्टर कीजिए रजिस्टर रजिस्ट्रेशन इज ऑनलाइन दैट इज रजिस्ट्रेशन इज लाइव नाउ सो यू क्विकली जस्ट रजिस्टर फॉर दिस प्रोग्राम एंड गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सैंपल क्वेश्चन तो हर दिन जो जो सैंपल क्वेश्चन अपडेट होगा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ये स्क्रीनिंग में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिए आपका एक बनानाज का एक यू नो बनाना के ग्रुप को ऐसे करके ऑसिलेट कर दिया फिर आपको टाइम पीरियड उसका मेजर करना है और एक है आपका एक दो कॉन्वेंस दो कॉन्वेक्स लेंस है राइट तो दो कॉन्वेक्स लेंस के जो मतलब पॉइंट सोर्स है मगर उसके लिए डिस्क टाइप इमेज बन रहा है ये क्यों बन रहा है तो चार ऑप्शन आपको गिवन है ऐसे करके सैंपल क्वेश्चन आपको रोज मिलेगा सैंपल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए और आपको अगर मोर क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन चाहिए तो आप यूट्यूब पे जस्ट टाइप कीजिए नानी एनी एस टी फिर इधर देखिए आपको नाइनटीन वीडियोस अवेलेबल हैं 2019 का तो 2019 का बहुत सारे सैम्पल क्वेश्चन है आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में मैं जो बता दिया आठ से नौ सवाल आपको पूछा जाएगा ऐसे वीडियो रिकॉर्डेड सवाल और एम टाइप फिर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप प्रिलिम्स में आ जाएंगे जहां पर आप खुद एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करेंगे और परफॉर्म करेंगे सो या सो यू कैन रीड अबाउट दिस प्रोग्राम यू नो या सो सो दिस इज ऑल अबाउट द टू वीडियो दैट इज एनी एस टी नेटवर्क नेशनल एनवेंसी का एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट दिस इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी गाइज आई एनकरेज यू टू प्लीज रजिस्टर्ड यूर सेल्फ क्विकली and participate in the program and enjoy the experiments enjoy the experiment and enjoy the physics by performing experiment and grab this opportunity to excel the experimental skill thank you very much for your patience and time let's go grow